गर्मी बढ़ते जा रही है, डैम में पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है, पानी की किल्लत मची हुई है, खास करके मुमरा कौसा में तो त्राहिमाम मची हुई है, दीवा में भी पानी की ये किल्लत है। मगर क्या रहा पानी समस्या को लेकर राजनीतिक झगड़ा, श्रेय लेने का झगड़ा किस तरीके से हुआ मुमरा की पानी की टाकी जो कहलाई जाती, जो सम्प व पंप हाउस है वहां पर, देखिए आज की हमारी खबर में। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बढ़ती गर्मी, पानी के जो डैम है उनमें घटता पानी का स्तर, इसकी वजह से लगातार पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। पहले से ही थाने मनपा ने 30 घंटे का शटडाउन ले रखा है, 30 घंटे हफ्ते में एक बार पानी कटौती की जाएगी। उसकी वजह से ये जो सवा दिन का जो पूरा साइकिल है 30 घंटे का, ये पानी कटौती जब होती है तो उसके अगले दिन शनिवार को पानी का प्रेशर नहीं होता है। इस वजह से मुमरा कौसा के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में ही रमजान महीना शुरू हो गया, शटडाउन जो होता है वो जुमा के ही दिन होता है। अब रमजान होने की वजह से मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, वजू के लिए पानी कम पड़ने लग गया, पानी आता नहीं, शटडाउन होता है, नमाजी बढ़ गए, पानी की समस्या हो रही है, लोगों को घरों में भी पानी जो है खरीद करके मंगाना पड़ रहा है। इन हालात में मुमरा के पानी आपूर्ति विभाग का जो सम्प व पंप हाउस है, पानी की जो टंकी है, उस पर शनिवार को जो है दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। इस दिलचस्प नज़ारे का पूरा विवरण बताने से पहले हम आपको बता दें कि शुक्रवार के शटडाउन के बाद, गुरुवार आधी रात से जो शटडाउन शुरू होता है, शुक्रवार देर रात तक ये आधी रात तक जो रहता है और पानी फिर उसके बाद कहीं कुछ इलाकों में आता है, तो शनिवार को अचानक कल्याण फाटा से आगे देसाई गाँव के पास MIDC की पाइपलाइन फट गई। क्या नज़ारा था पाइपलाइन का वो हम आपको बता रहे, वो देखिए। अब फिर आते हम पानी की राजनीति पर। पानी की राजनीति शनिवार को मुमरा में जमकर हुई, इतनी जमकर हुई जिसमें मतलब क्या कहें, हमें तो शब्द ही नहीं मिल रहे कि पानी जैसी अत्यावश्यक सेवा, अहम चीज़ को लेकर के क्या इस तरह की भी राजनीति की जा सकती है। ये सवाल जैसे हमें दिखाई दिया, हमें समझ में आया, हो सकता है पूरी ये खबर देखने के बाद आपको भी समझ में आए। पूरा किस्सा, पूरा लुब्बे लुबाब ये है कि पानी की लाइन फटने के बाद, पानी की किल्लत होने के बाद जो है मुमरा के सम्प व पंप हाउस पर विधायक जितेंद्र अवार्ड पहुँचे, उनके साथी नगर सेवक पहुँचे, शानू उर्फ अशरफ पठान है, जफर नोमानी है, अन्य नगर सेवक थे कुछ, और कई सारे राष्ट्रवादी के पदाधिकारी। अब पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में ऐसा हुआ कि थाने से कुछ प्राइवेट टैंकर्स पानी भर करके आए। इन टैंकरों को शिवसेना का कहना है, शिवसेना के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, इनके बेहद करीबी और चुनाव में जिन्होंने मुमरा कौसा की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी, गिरीश शिलोत्री, इनका कहना है कि भाई यहाँ के हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, जावेद अंसारी, अनवर कच्छी वगैरह, इन लोगों ने हमें बताया था कि पानी की बेहद किल्लत है और यहाँ पर टैंकरों की भी मतलब उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए थाने से जो है आप टैंकर भेजिए। तो थाने में भी मनपा के पास टैंकर नहीं थे जो वहाँ से भेजा जाए, तो इसके लिए गिरीश शिलोत्री का कहना था कि हम लोगों ने प्राइवेट टैंकर मैनेज की, खास करके मस्जिदों के लिए। और गिरीश शिलोत्री ने यह बताया कि खास करके इस मामले में एकनाथ शिंदे पालक मंत्री ने उन्हें, वो विदेश में है फिलहाल, उन्होंने वहां से गिरीश शिलोत्री को ये जिम्मेदारी दी कि जिन जिन मस्जिदों में पानी की रिक्वायरमेंट मांगी गई है अपने पास से, उन्हें फौरन जो है पानी की आपूर्ति की जाए, उन्हें फौरन पानी पहुंचाया जाए। तो अब ऐसा हुआ, पानी के टैंकर आए, कुछ टैंकर आए पहुँच गए, दूसरी खेप आई, तब तक जो है पानी की टंकी के पास जो है NCP के विधायक जितेंद्र अवार्ड, उनके नगर सेवक, उनके पदाधिकारी सारे जमा हो गए थे। इनका आक्षेप ये था, इनकी आपत्ति ये थी कि ये पानी TMC का है, इसलिए ये यहाँ पर लिस्टिंग से होकर के जाना चाहिए, ये जो लेके आ रहा है वो अपनी मनमर्जी से नहीं लेके जा सकता है, वो मनमर्जी करके ले जा रहा है। जबकि एक तरफ से लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए भाजपा महिला अल्पसंख्यक की अध्यक्ष रीदा रशीद भी वहाँ पहुँची थी, रीदा रशीद, उनके साथ उनकी PA राबिया, ये दो ही लोग थे वहाँ पर, और एक तरफ गिरीश शिलोत्री और जावेद अंसारी थे, बाकी पानी की रिक्वायरमेंट लेकर के जो आम लोग पहुंचे थे उनको छोड़ करके विधायक जितेंद्र अवार्ड, नगर सेवक जफर नोमानी, शानू पठान, उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये सब थे। तो पूरा ये घटनाक्रम कैसा रहा, हम आपको इसकी पूरी जो है तस्वीरें इस वीडियो में दिखा रहे हैं। क्या नज़ारा था, कितनी गाली गलौज हुई, कैसे टैंकर रोके गए,
कैसे पानी पर अपना हक जताने की कोशिश की गई शिवसेना, और इनका कहना था कि यह हमने मैनेज करके लाया हुआ पानी है, पर टैंकर प्राइवेट टैंकर वाले को हम पैसा अदा करके जो है मस्जिदों को पानी आपूर्ति करना चाह रहे हैं, और हम ये बड़े खामोशी के साथ कर रहे थे, लेकिन ये टैंकर रुकाए जाने के कारण ये सारा मामला हमारा मंजरे आम पर आ गया, हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा गिरीश शिलोत्री ने हमें बताया। लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा भी बात की है, रीदा रशीद जो वहां पर लोगों को पानी की समस्या करने का हल करने के लिए गई थी, उन्होंने भी ऑन कैमरा बात की है। पहले राउंड और दूसरे राउंड में जब विधायक जितेंद्र रावड़ वहां आए थे तो पानी के नियोजन को लेकर के, पानी घटता जा रहा है, डैम में पानी कम होता जा रहा है, इसके लिए कोई सियासी दल कोई प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये कुदरती बात है, ये साफ है, लेकिन इसके लिए यहाँ के विधायक को भी या यहाँ के नगर सेवकों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये भी साफ है। लेकिन पानी के टैंकर जो आए उन पर इस तरह की राजनीति करना कहाँ तक ठीक है, ये सवाल सबसे बड़ा है, वो भी रमजान महीने में। पानी मस्जिदों में ही जा रहा था, मुमरा कौसा के मुस्लिम आबादी में ही जा रहा था, चाहे वो किसी भी जरिए जाए चाहे वो कैसे भी जाए, लोगों की जरूरत पूरी हो रही, मस्जिदों को पानी अवेलेबल नहीं था, शटडाउन के बाद पानी की लाइन का बस्ट होना कल्याण फाटा देसाई गांव के पास, पानी की किल्लत हो गई थी, तो ये किल्लत अगर इस तरीके से पूरी हो रही थी तो उसमें ये श्रेय की लड़ाई क्यों, किस तरीके की भाषा थी, किस तरीके का वहां माहौल था, वो पूरे हमारे इस वीडियोस में आप देखिए और आप तय कीजिए कितनी जायज है पानी की ये राजनीति, श्रेय लेने की ये लड़ाई, और उसमें इस्तेमाल की गई जनप्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों के जिम्मेदार पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की भाषा। सर आज पानी की टाके पे आने की कुछ वजह ऐसा है कि पानी की किल्लत दिखाई दे रही है, और हालांकि कल्याण में एक पाइपलाइन बस्ट हो गई तो पाइपलाइन का काम चालू था। दूसरी चीज़ ये है कि आपको भी आपके यहाँ से मालूम देना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र हर पानी का जो क्षेत्र कहता है, जिसको हम बांध कहते हैं, धरण कहते हैं, डैम कहते हैं, पहली बार 50 सालों में सबसे कम पानी आज डैम में, इसकी वजह क्या है अल्लाह ताला जाने, लेकिन पानी यानी अभी नासिक नगर धुलिया जलगांव 15-15 दिन में एक बार पानी मिल रहा है, इतनी हालत बुरी है, तो पानी का नियोजन भी करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मैं आज सुबह से यहाँ आके बैठा था, 12-14 टैंकर का भी आयोजन कर दिया है, आगे चल के क्या होता है। अरे ये मस्जिदों में भेज रहे, मस्जिदों में पानी भेज रहे, पब्लिक का पानी नहीं चाहिए आपको, हां देंगे ना तुम लो लो, रुको जरा एक मिनट, कोई टैंकर मेरे महापालिका नहीं, मैं बता रहा हूं, अरे प्राइवेट है भाई, हां प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट टैंकर है, हां प्राइवेट टैंकर है, महापालिका में टैंकर ही नहीं है, प्राइवेट टैंकर है भाई, ये आपका मत जा रहा है, अरे मैडम मेरे को बताओ ना, पानी मिल जाएगा, लोगों को पानी मिल जाएगा, अरे मैडम चिल्लाने से लोगों को पानी मिल जाएगा तो और जोर से चिल्ला, लोगों को मिल जाएगा ना पानी तो और जोर से चिल्ला, अरे भाई आजा,
पहले मैं यहाँ के तू मुझे पूछ रहा है क्या? दूसरी बार आया हूँ मैं, तब 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 वो नहीं थे, मैं आया ठीक है वो मैंने तो वो बोल रहे अभी बोल रहे नहीं होंगे ना अभी बोल रहे पूछा समझ नहीं होंगे ना ऐसा बोल रहे नहीं चल आई ने टेंशन पर हमारे सामने हमारा काई घटने देना ना किसको भी लाने देने पूछ रहा हूँ। देखो पहली बात तो आज पानी के टाकी पे आना पड़ा, काफ़ी दिनों से फ़ोन आ रहा है मस्जिदों पे पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, जो सालों साल से चल रहा है, लेकिन गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर किसी नेता का कोई ध्यान नहीं है, यहाँ का आमदार का कोई ध्यान नेता। आज हम लोग जब पानी के टाकी पे आए, जब देखा हम लोग ने, यहाँ का नगर सेवक पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं नगर सेवक हूँ, मुझे पानी ले जाना है, मैं टाकी टंकर जाने नहीं दूंगा, तब से हम लोग यहाँ खड़े हैं, सबको पानी पहुँचा रहे हैं। आज हमने TMC से भी अपने थाना से 15 टैंकर मंगाया गया यहाँ पर, जब मालूम पड़ा कि यहाँ पानी मिल रहा है लोगों को, पानी सुप्ली जा रहा है, तो यहाँ का आमदार, यहाँ के नगर सेवक जो सोकॉल है जो आए, उन्होंने फिर वही छिकाम छिकी जो उनका दादागिरी है वही करने की कोशिश की, टंकर चोरी करने की कोशिश की, मतलब लिटरली उन्होंने टंकर चोरी किया, हम अपने लोगों को बिठा के चाबी लेके भाग रहा है, ये आमदार कर रहा है मुमरा का आमदार कर रहा है, पानी का टंकर की चाबी उनके लोग लेके भाग रहे हैं, वो टंकर नहीं जाने दूंगा, दगड़ मारो पत्थर मारो ऐसे सब बातें कर रहे हैं रास्ते पे, उनको ये नहीं है लोगों तक पानी पहुँचे, उनको ये है कि हमारी दादागिरी रहे यहाँ पर, हमारा अस्तित्व जो जा रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन लोगों के घर तक पानी पहुँचाने की कोशिश नहीं करें। ये सबसे बुरा आज का हाल था और इस चीज़ के लिए आमदार आज रस्ते पर उतरा था, मेरे लिए आज से बुरा दिन कोई नहीं हो सकता है कि रमज़ान के महीने में हमारे लोगों को जितनी पानी की ज़रूरत है, एक आमदार और यहाँ के नगर सेवक उतर के टंकर को रोका जा रहा है, पत्थर मारो बोला जा रहा है, इस तरीके के चीज़ें की जा रही थी, बहुत बहुत मैं तो बोलूँगी आज का दिन इन लोग ने बहुत बुरा किया, लेकिन हमारा रमज़ान इतना अच्छा है, मैं हम लोग सब चाहेंगे, हम लोग रोज़ चाहेंगे यहाँ पानी लोगों तक पहुँचाए, रोज़ टंकर यहाँ आएंगे, हम लोग रोज़ पानी पहुँचाने का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। रमज़ान महीने में जबकि रात में एकनाथ शिंदे साहब को जब भी मालूम पड़ा कि इधर पानी का बहुत मसला है, तो मुझे आदेश आए कि 10 टैंकर मस्जिद में पानी पहुँचाओ, वैसे थाना में म्यूनसिपैलिटी के टैंकर उधर मौजूद नहीं थे, जिसके लिए हमें 10 प्राइवेट टैंकर मैनेज करके वहाँ से पानी लाना चालू किया, जैसे 4 टैंकर हमारे पास हो गए, जैसा 5वां और 6वें टैंकर 2 टैंकर इधर आए, तो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, उनको मालूम पड़ा कि ये प्राइवेट टैंकर बुला रहे, हमारी यही ठीक है, शिंदे साहब ने बोला था कि पहले 10 मस्जिद में टैंकर पानी पहुँचाओ, यही हमारा मकसद था। आपने जब मैंने देखा है कि आप और जितेंद्र रावत कुछ बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त दोनों की टोन में कुछ डिफरेंस था, ऐसा क्या मामला पेश आया था? जितेंद्र रावत साहब मुझे बोल रहे थे तू यहाँ से निकल जा, मैं बोला मैं क्यों निकलूँ, मेरे को तो शिंदे साहब ने भेजा है, तो बोले ये मेरा क्या मेरा एरिया है, तो उसमें से एक ऐसी भी बात हुई क्या कि मैं मेरा मोबाइल ढूंढ रहा था, तो वो बोल रहे थे क्या इधर मेरे से जो पंगा लेता है उसका मोबाइल क्या सब कुछ भूल हो जाता है, मैं बोला ये बात मेरे से मत करो, मेरा मोबाइल तो मैं ढूंढ कर निकालूंगा। शनिवार को सुबह तड़के देसाई गांव कल्याण फाटा के पास पानी की लाइन का बस्ट होना, पानी के टैंकर निजी जो शिवसेना ने अरेंज कराए थे, जावेद अंसारी, गिरीश शिलोत्री और उनके साथियों की उसमें अहम भूमिका थी, उनको राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपत्ति लेकर के रोकना, पानी TMC का है टैंकर प्राइवेट है तो क्या हुआ, लेकिन ये लोगों के पास जाना चाहिए, अब वो कहां ले जा रहे थे शिवसेना वाले, उनका कहना है मस्जिदों से हमारे से मांग की गई थी, रिक्वायरमेंट बोली गई थी, इसलिए हम वहां भेज रहे थे, मगर हम इसकी जो है कोई पब्लिसिटी नहीं करना चाहते, लेकिन इस रुकावट से ये हो गई। बहरहाल क्या पूरा मंजर रहा, कैसा क्या रहा, ये पूरा आज हमने इस खबर के जरिए आप तक पहुंचाया है, जल्दी हाजिर होंगे ऐसी ही अपनी अगली खबर के साथ।